गुरुदेव मेरा दाहिना हाथ थोड़ा कमजोर है, छोटा है। अच्छा, पैदाइशी? हाँ पैदाइशी है, थोड़ा वो घाम में जाता हूँ तो आग दब जाती है। दोनों हाथ ऐसे पकड़ो, आंखें बंद करो और दाहिने हाथ की जेब खोलिए, खींच के बाएं हाथ में डाल दीजिए, शू सक्रिय कर दीजिए। कुछ नहीं बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहो। हाँ गुरु जी प्रणाम, मस्त रहिए। गुरु जी पांच जने डीने में हैं हमारे। देखो आपके सहित पुरुषों के कष्ट, परिवार के पैरालिसिस की स्मृतियां थी, बाइपोलर डिसऑर्डर था, पेट में दर्द होना, पागल बनाने वाली स्मृतियां थी, भगंदर की स्मृतियां थी, कंधों में चुभन होना, बुद्धि बंधी हुई थी, ब्रेन में क्लॉटिंग, लीवर सिरोसिस की स्मृतियां थी, श्वास नली में सूजन, ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, लंबर स्पॉन्डलाइटिस था, आँखों में धुंधलापन, एसिडिटी होना, बोन मैरो दूषित हो रहा था, किडनी में सूजन, यूरिनरी ब्लैडर में पस बन रहा था, यूरेटर में सड़न हो रही थी, जॉइंटिस की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, रक्त में, प्रोस्टेट में, हड्डियों में, त्वचा में, कॉमन बाइल डक्ट में और गॉल ब्लैडर में। ऐसे किडनी खराब हो रही थी, यूरेटर खराब हो रहा था, किडनी में सड़न हो रही थी, किडनी की कार्य क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही थी, यूरेथ्रा चिपक रहा था और यूरिन पास करने में प्रेशर लगाते थे। हाँ गुरुदेव, पेशाब का रास्ता आगे धीरे धीरे सकरा होता जा रहा है। अभी ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। प्रणाम जी गुरु जी। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। कैसे हो? ठीक हूँ गुरुदेव, आप कैसे हैं? बस आनंद बेटा। गुरुदेव मेरा दाहिना थोड़ा कमजोर है, छोटा है। अच्छा, पैदाइशी? हाँ पैदाइशी है, थोड़ा वो घाम में जाता हूँ तो आग दब जाती है। दोनों हाथ ऐसे पकड़ो, आंखें बंद करो और दाहिने हाथ की जेब खोलती है, खींच के बाएं हाथ में डाल दीजिए, शू सक्रिय कर दीजिए, कंधे से लेकर मस्तिष्क को तंत्रिका तंत्र नाभि चक्र के से शू पांच बार बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आंखें खोलिए, अपना बंधन कीजिए पांच बार। अब चेक करिए हाथ दोनों, करिए। अब कैसे लग रहे हैं? ठीक लग रहा है गुरु जी। अब वो स्मृति नष्ट हो गई गुरु जी, एक बार पूछना था। अभी एक बार आंखें बंद करो और इनका दाहिना मस्तिष्क पूरी तरह सक्रिय कर दिया जाए और बाएं अंग पूरी तरह सक्रिय कर दिया। प्रहार पांच बार बोलिए, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बंधन कीजिए अपना पांच बार। अब आप चल फिर के आइए, जो आपका छोटा बड़ा लगता था, शरीर हाथ हाथ सब चेक करके आइए, देख कहीं कुछ है, कुछ अब कमजोरी लगती, देख हाथ अब कुछ है जो जन्म से था। आपको यहाँ छोटा बड़ा लग रहा है? नहीं गुरु जी। अब उठा के देखो, फर्स्ट क्लास मूवमेंट कर रहा है पूरी तरह। हाँ गुरु जी। अब कोई वजन हाथ से ताकत लगाओ, देखो बराबर है। हाँ बराबर है गुरु जी। अब जो जन्म से समस्या थी हमेशा के लिए खत्म हो गई, स्मृतियां थी, आपको अपना बायां अंग ही बहुत कम महसूस होता था। हाँ गुरु जी। पूरा बायां अंग बहुत वीक था, बहुत वीक था। हाँ। अभी एक जैसा हो गया, दायां बायां फर्स्ट क्लास एक जैसा। गुरु जी एक और पूछना था। हाँ। अभी 3 महीने के बाद मैं अपना बिजनेस करने वाला हूँ, ओन बिजनेस। खूब करिए, जम के करिए अपना बिजनेस। अब क्या लग रहा है, आप सफल होगा कि नहीं, क्या लग रहा है? हो जाऊंगा। हाँ लेपन जरूर करना। अच्छा ध्यान से, खुश रहिए। धन्यवाद गुरु जी, प्रसन्न रहो बेटा, मस्त रहिए। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार गुरु जी। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए। देखिए कितने रोग कष्ट थे आपको भी और आपसे बिटिया में भी जा रहे थे सब बच्चों में। ओसीडी की स्मृतियां थी, गंदा दिखना, गंदा होना, सर्वाइकल स्पॉन्डलाइटिस था, अनावश्यक क्रोध कराने वाली स्मृतियां थी, ब्रेन में सूजन, MND की स्मृति थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठकर उठने में समस्या होना, पैरों में कमजोरी महसूस करना,
संबंध खराब कराने वाली स्मृतियां थी, पेट में दर्द होना, जलन होना, एक्जिमा की स्मृतियां थी, बॉडी ऑटोइम्यून हो रहा था, गंदे सपने आना, गंदे स्पंदन होना, सिजोफ्रेनिया था मतलब अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, रेक्टम में सूजन, छाती में जकड़न होना, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स बन रहे थे और यूट्रस सिकुड़ते जा रहा था, ब्रेस्ट में गांठें बन रही थी, ट्यूमर बन रहे थे, प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था, श्वास लेने में भारीपन महसूस करना, घुटनों में चुभन होना, कैंसर की स्मृतियां थी, रेक्टम में, गले में, ब्रेस्ट में, ओवरी में, सर्विक्स में और अपेंडिक्स में। ऐसे तमाम कष्ट थे, ऐसे गर्भाशय ओवरी सब खराब हो रहे थे। अब अच्छे हैं, परेशान मत हो, आप आओ बेटा। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा, आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आप कोई कष्ट तो नहीं? नहीं कष्ट नहीं है, एक मतलब एक साल से बहुत गुस्सा, चिड़चिड़ बहुत कुछ आता है। अब अच्छे हो बेटा, एकदम अच्छे रहोगे, ठीक है, खुश रहो, कुशल रहो, क्योंकि बहुत क्रोध कराने वाली स्मृतियां तुम्हारे अंदर थी, अनावश्यक क्रोध बहुत आ जाता था, सब गंदा गंदा दिखना, सब चिड़ होना, नफरत होना, अंदर से अच्छा नहीं लगना, अकेले रहने का मन करना, किसी से बात नहीं करने का मन करना, है? ये सब नष्ट हो गया है ना। महावन में कौन कौन बैठेगा बाबा? बेटा महावन में आप तीनों लोग रहोगे जो खड़े उधर, और आपको भी हम पुण्य देंगे अलग से, इनको कष्ट ज्यादा। आप आइए माइक, आंखें बंद करो आप अकेले, ओम दरबार की ओर से इनको एक दिशी महावन का पुण्य का अंश प्रदान किया जाए। मनी मन में ओम नमः शिवाय जप करें, प्रदान कर दिया प्रहार। सात बार बोलिए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नेत्र खोल के अपना बंधन खींच लीजिए सात बार, ओम नमः शिवाय बोलते हैं। अभी जब संकल्प होगा महावन करके लोग खड़े होते हैं तो रेलिंग के पास संकल्प अभी कर लेना, ठीक है? बाकी ये लोग कल महावन कर लेंगे, तीनों लोग रह करके। गुरुदेव तो मैं दुर्गा जी का पूजा करता था, मैं मंदिर हटा बाबा और माता जी का पूजा शुरू किया हूँ, एक साल से मैं आया था, अर्जी लगा के गया था, उसको हटाने के बाद हमको प्रॉब्लम थोड़ा कुछ नहीं था, मैं हटा दिया हूँ, इसलिए आपसे बताना जरूरी था। अच्छा किए, बाबा माँ की सेवा करिए, प्रार्थना करिए, भोलेनाथ की माँ की सेवा करिए, आनंद में रहिए। हाँ गुरुदेव हो गया, छह जब आप गए थे वहाँ तब से पूजा शुरू कर दिया। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, खुश रहिए। और हमारी मैसेज की तबीयत ज्यादा इसी का प्रॉब्लम गुरुजी, इसीलिए हमन में कराना पड़ा। अच्छा किए, अच्छा किए, अब सबके पास बहुत ऊर्जा है, खुश रहिए।